हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सो हम लोग एक ये न्यू कार्ट है जिसे हम डिलीवर कर रहे हैं, एंड आप लोग देख सकते हैं ये एक 4x6 का बड़ा रिक्शा है. एंड आप देख सकते हैं हमने इस बार थोड़ा सा लुक्स में इसके कुछ चेंजेस किए हैं. एंड ये भी एक, जैसे आपने देखा था चाइनीज़ फूड वैन, ये उसी तरह का एक रिक्शा है, बट इसके अंदर हम लोगों ने वाटर टैंक भी ऐड किया है. और बताना चाहूँगा, ये वाला रिक्शा हम तभी रिकमेंड करते हैं जब आपकी ट्रैवलिंग लिमिटेड हो, 3 से 4 5 किलोमीटर के बीच में ही हो. अगर आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा किलोमीटर के लिए है तो हम ये रिक्शा रिकमेंड नहीं करते हैं. आइए एक बार इस रिक्शे का पूरा वॉक अराउंड लेते हैं. सामने से देखेंगे तो थोड़ा सा कर्वेचर लुक दिया गया है, राउंड ऐसा लुक दिया गया है. इसके अंदर वाटर टैंक है. सामने से हमारे रिक्शे का आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल रखा गया है. पीछे की साइड पे बात करें, वाटर टैंक होने की वजह से इसके अंदर ये एक पोर्टेबल सिंक दिया गया है. आपने पहले भी हमारी वीडियोस में देखा है, ये सिंक निकल जाता है, आप निकाल के इसे अंदर रख सकते हैं एंड यूज़ के टाइम पर आप इसे वापस लगा सकते हैं. ये दो एग्जॉस्ट के आउटलेट्स बनाए गए हैं. ये वाटर ओवरफ्लो के लिए पाइप बनाया गया है, सॉरी वो ओवरफ्लो के लिए पाइप ये बनाया गया है, और ये वाटर फिलिंग के लिए बनाया गया है. इसके लिए आप पंप की यूज से पानी चढ़ा सकते हैं. बैक साइड की बात करें, बैक साइड डोर एंट्री आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिश दी गई है. वुडन फिनिश आप देख सकते हैं कितनी प्रीमियम लग रही है, एक हाई क्वालिटी फिनिश दी गई है. मैं कार्ट का आपको एक बार पूरी लाइटिंग ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरह की दिखती है. सो लाइट्स ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह का लुक आ रहा है, काफ़ी ब्राइट लुक है. एंड बात करें इसकी बोर्ड की, बोर्ड पे थोड़ा सा जूम करते हैं एंड बोर्ड को देख सकते हैं, बहुत ब्राइट बोर्ड है. चारों तरफ इस पे हम लोगों ने एलईडी लाइटिंग दी है, जो एलईडी लाइट पूरा पीछे तक कंटिन्यू होती है. आइए एक बार मैं ये कार्ट आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है. सो सबसे पहले बात करें, ये एक ईटिंग शेल्फ ट्रे बनाई गई है. एंड पास में चलते हैं थोड़ा सा, ये मेन्यू बोर्ड आप देख सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल मेन्यू बोर्ड है. आप रेट लिस्ट कभी भी चेंज करना चाहें आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं. नीचे भी हम लोगों ने पूरी लाइटिंग दे रखी दी है, आप देख सकते हैं पूरी लाइटिंग पूरी बॉडी में कंटिन्यू है. अंदर ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह का लुक आ रहा है. एंड डोर्स की बात करें, डोर्स पर भी लाइटिंग दी गई है. एंड ये पीछे भी एक वेंटिलेशन विंडो बनाई गई है. वेंटिलेशन विंडो आप सब जानते हैं कि चाइनीज़ काम में ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज चाइनीज़ काम में काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है और काफ़ी हीट का काम होता है. आइए एक बार इस कार्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से किस तरह का लुक आ रहा है. सो आप देख सकते हैं इस साइड से कैसा व्यू दिख रहा है आपको. बात करें इस सेक्शन की, ये सेक्शन हमारा स्टोरेज, गैस सिलेंडर स्टोरेज के लिए है. इसमें आप एक बड़ा सिलेंडर रख सकते हैं. सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका फूड स्टोरेज, एक्स्ट्रा बैटरी, इन्वर्टर स्टोरेज आ जाता है. कार्ट के अंदर चलें, आप देख सकते हैं किस तरह का सेटअप है. इस साइड से बात करें, एक फायर स्टॉप, एग्जॉस्ट फैन, एक म्यूजिक सिस्टम. ये हमारा मेन सप्लाई है, मेन एमसीबी है ऑन ऑफ के लिए. कोई भी अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी. एक फ्रायर दिया गया है, गैस फ्रायर आप देख सकते हैं. एक बर्नर जिसपे आप कुछ भी अपना चाइनीज कुकिंग करना चाहें, एक स्पेयर बर्नर जिसपे आप अपना मोमोज वगैरह रखना चाहें, और एक ये हॉट प्लेट दी गई है. और हॉट प्लेट के आगे ये कुछ कंटेनर्स दिए गए हैं. इन कंटेनर्स में आप किसी भी तरह का मीजा बोल्स या आपकी जो भी ड्रेसिंग्स हैं, आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं. इधर भी एक एग्जॉस्ट दिया गया है, एक बॉटल फैन दिया गया है. अगेन सिक्योरिटी फीचर, 360 डिग्री रोटेटिंग एमआई का कैमरा लगाया गया है. काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन है कार्ट में. अगर हम बात करें, काफ़ी प्रीमियम लुक दिखती है कार्ट की. आप देख सकते हैं किस तरह की लुक आ रही है. बैक साइड से भी बात करें, आप देख सकते हैं पूरा एरिया इसने अपने आप लिट अप कर दिया है. जहाँ भी ये कार्ट खड़ी है, बैक साइड से भी आप देखिए कितनी प्रीमियम लुक आ रही है. देखिए किस तरह का सेटअप ये पूरा दिख रहा है. वाटर कनेक्शन आप लोग सभी लोग देख चुके हैं. आइए सामने की तरफ वापस चलते हैं.
सामने की तरफ से आप अगेन देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लुकिंग कार्ट है, एक छोटा सा मिनी चाइनीज़ वैन कह सकते हैं, एक सिंगल पर्सन के लिए चाइनीज़ स्टार्टअप या फास्ट फूड स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छी कार्ट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए जो इस तरह की कार्ट या इस तरह का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों से ज़रूर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। बात करें इस कार्ट की प्राइसिंग की, तो ये कार्ट विद वाटर टैंक, अगर पूरी एग्जैक्ट कार्ट की बात करें कॉस्टिंग की विद वुडन प्रीमियम लुक, ये कार्ट कहीं ना कहीं 285,000 रुपीज़ की पड़ती है। और बताना चाहूँगा कि पिछले 2 या 3 महीने में ई रिक्शा एंड रॉ मटेरियल के काफ़ी रेट्स बढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे प्राइसेस भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। थैंक यू।